हाय, मेरा नाम डॉक्टर मनमीत है। मैं एमडी मेडिसिन डी इन नेफ्रोलॉजी हूँ। इस समय सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर। किडनी की तकलीफें काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसके बारे में, तो काफी किडनी की बीमारियां नजरअंदाज हो जाती है। तो ये वीडियो पे हमने ये कोशिश की है बताने की एक तो किडनी की बीमारियों के क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं, उसके बाद किडनी की बीमारियों के क्या लक्षण हो सकते हैं और ये बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। किडनी एक ऐसी ऑर्गन है, मकसद इनका ये है कि शरीर में से जहर निकालना, पेशाब आना, खून बढ़ाना, साथ में हड्डियों के बद असर भी गुर्दे रोकते हैं और कीटाणु के लड़ने की क्षमता भी गुर्दे रखते। जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होता है वो भी किडनी करती है। अगर किडनी की तकलीफ किसी कारण आ जाए तो उसके काफी सिम्टमेटोलॉजी हो सकती है, लेकिन पहली चीज ये देखने की जरूरत है कि किस किस कंडीशन में किडनी की तकलीफें हो सकती है। एक जो मेजर कारण है वो है शुगर की तकलीफ। शुगर की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसके कारण मोस्टली लोगों को गुर्दे की तकलीफ आ जाती होती है। तो जिस किसी को भी शुगर की तकलीफ है उन्हें अपने किडनी के टेस्ट की जाँच करानी जरूरी है। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं रहता है उसके कारण भी किडनी की तकलीफ आती है। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए जो पूरी बॉडी में फैल जाती है, हार्ट की कोई दिक्कत आती है, लिवर की तकलीफ होती है, उसके कारण भी किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है और किडनी की तकलीफ बढ़ती है। ताकत के इंजेक्शन, जिम सप्लीमेंट, ये सारे गुर्दे की तकलीफें बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक्सेस ब्लीडिंग होती है, उस केस में भी किडनी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और किडनी की तकलीफ बढ़ सकती है। गर्मियों का मौसम बढ़ रहा है, पानी की कमी के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण दस्त लग जाती है अगर किसी को भी, तो अगर ऐसी कोई भी तकलीफ आती है तो उस समय किडनी की जांच करानी जरूरी है। किडनी की जांच किस किस्म की होती है? एक सिंपल टेस्ट होता है ब्लड का टेस्ट, जो सीरम क्रिएटिनिन जिसे हम कहते हैं। ये एक टेस्ट है जो हमें बता सकता है कि गुर्दे का क्या स्टेटस है। इसके अलावा एक पेशाब की रूटीन एनालिसिस, जिसे यूरिन एनालिसिस हम कहते हैं, वो कराना जरूरी है। अगर कोई तकलीफ लगती है, इंटेस्ट में कुछ आता है, तो गुर्दे का अल्ट्रासाउंड हमें बता सकता है कि निचली गुर्दे की कोई तकलीफ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आती है जैसे पेशाब कम हो जाता है, मुंह पे सोजिश, पैरों पे सोजिश पड़ रही है, तो ये हो सकता है किडनी की तकलीफ के कारण हो। इसके अलावा भूख कम लगना, उल्टी आनी, कमजोरी लगनी, या बच्चों में अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में भी किडनी के टेस्ट कराना जरूरी है। अगर किसी के खून की कमी है तो उसको जांच करने में अगर उसका कोई और कारण नहीं लग रहा तो एक कारण गुर्दे की तकलीफ भी हो सकती है। पेशाब में जलन हो रही है, लग के आ रहा है, पेशाब में खून निकल रहा है, पथरी निकल रही है, या पेशाब में झाग आ रही है, तो इस सिचुएशन में भी किडनी की टेस्ट जरूर करवाएं। अचानक अगर किसी मरीज को या किसी पेशेंट को सांस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो उस समय भी अपने किडनी की जाँच जरूर करवाएं। अगर किडनी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो दिमाग में भी चले जाता है, बिल्कुल बेहोशी की हालत भी हो जाती है, कई बार पेशाब बिल्कुल बंद भी हो सकता है। तो ये सारे अगर कोई इस चीज में कोई सिम्टम आता है तो हो सकता है पेशेंट को किडनी की तकलीफ है। अगर कोई पेशेंट है जिसको शुगर की तकलीफ है, उनकी शुगर जो पहले बहुत ज्यादा रह रही थी वो अचानक कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, या शुगर कम होना शुरू हो जाती है, गोली की या टीके की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, या शुगर वाले पेशेंट जिनको पहले कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं थी अब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो उस सिचुएशन में किडनी के टेस्ट जरूर करवाएं। तो एक बार अगर किडनी की तकलीफ ऐसे आ जाती है तो उसके आगे टेस्ट करा के, जांच करा के आगे देखने की जरूरत है, और उस तरीके से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट से मुलाकात करने की जरूरत पड़ेगी। तो किस चीजों से हम बच सकते हैं गुर्दे की तकलीफ पे? एक तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। जो डाइट हम ले रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, तली चीजें, घी मिर्ची वाली चीजें, प्रोसेस फूड्स, बाहर का खाना, ये कोशिश करके अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ नमक खाने में कम रखें। अगर कोई पेशाब की तकलीफ नहीं है, कोई सोजिश नहीं है, तो पानी खुल के लें, और साथ ही साथ देसी दवाइयां, इन दवाइयों का या दर्दों की दवाइयों का सेवन अवॉइड करें, जिम सप्लीमेंट अवॉइड करें, ताकत के टीके लगाने अवॉइड करें, और टाइम टाइम पे अपना किडनी की जाँच जरूर करवाएं।